हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, बिहार में इस साल 2,99,812 शिक्षकों की बहाली होने वाली है, जो कि बिहार के तमाम सीटेड वीटेड क्वालिफाइड शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस न्यूज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ये बहाली कब तक आएगी और कौन कौन से कैंडिडेट इस बहाली में भाग ले सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, अभी तक बहुत सारे सीटेड अभी निकल चुका है या बीटेड भी हुआ है। तो आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप लोग को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार में इस साल 2,99,812 शिक्षक प्रोफेसर बहाल किए जाएंगे। सरकार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सातवें चरण के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के लिए केंद्रीयकृत एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के लिए नई नियमावली बनाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले शिक्षक बहाली में क्या होता था कि जहाँ भी आपको अप्लाई करना है तो वहाँ पे जाकर ही आपको आवेदन देना होता था, लेकिन सातवें चरण की बहाली में जो है बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। आपको केंद्रीयकृत यानी सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करवाना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह घोषणा शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विधानसभा में सोमवार को बजट पेश करने के दौरान की। मंत्री ने शिक्षा विभाग का 40,450 करोड़ का बजट पेश किया, जिसे विपक्ष की अनुपस्थिति में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। मंत्री ने कहा कि हर जिले से अच्छी सुविधा युक्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से पूरे राज्य में लगभग 85 उच्च माध्यमिक विद्यालय को अनुकरणीय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। सिमुलतल्ला के तर्ज पर राज्य के प्रत्येक जिलों में मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की योजना है और हर जिला में एक शिक्षा भवन भी बनाने की योजना है। तो फ्रेंड्स, पिछले दिनों विधानसभा में शिक्षा विभाग का बजट पेश किया गया है, जिसमें करीब 3 लाख शिक्षक बहाली की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब जानते हैं कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, 80,000 प्राइमरी शिक्षक बहाल होंगे, ठीक है। यानी प्राइमरी में जो है 80,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। और उसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट वाइज जो भी वैकेंसी आने वाली है उसको मेंशन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभिक विद्यालयों में कुल शिक्षक भर्ती यानी कि प्राइमरी स्कूल में जो वैकेंसी आने वाली है वो 80,000 के आसपास आने वाली है। प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक या फिजिकल टीचर की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं 6,500 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। और आगे देख सकते हैं माध्यमिक वो उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1,30,000 के आसपास सबसे ज्यादा आपका जो है हाई स्कूल में बहाली आने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 1,30,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती है। प्रारंभिक विद्यालय में प्रधान टीचर यानी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर की जो बहाली आएगी, तो इस पोस्ट के लिए आपको 40,500 के आसपास सीट देखने को मिल सकती है। आगे देख सकते हैं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक प्रधानाध्यापक यानी 6 to 8 में जो हेडमास्टर होंगे उनके लिए 6,000 के आसपास सीट देखने को मिल सकती है। विद्यालयों में कंप्यूटर टीचर यानी कंप्यूटर शिक्षक के लिए आपको 7,300 के आसपास सीट देखने को मिल सकता है। और आगे है उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के लिए टीचर वैकेंसी आएगी, आपको 26,500 यानी 26,500 के आसपास इसका सीट देखने को मिल सकता है। और आगे विश्वविद्यालय में अतिरिक्त सहायक प्रधानाध्यापक, कॉलेजों में भी आपको असिस्टेंट टीचर बहाली होगी, उसके लिए आपको 3,000 के आसपास सीट देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, सातवें चरण में जो भी बहाली आएगी, इस तरह से उसका पूरा डिटेल दिया गया है किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आने की संभावना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट अभी सीटेड पास हुए हैं या पहले से सीटेड या बीटेड क्वालिफाइड हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन फ्रेंड्स, इस न्यूज़ का रियलिटी क्या है वो आपको हम बता रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि इस तरह से आपको पेपर में जो भी बहाली जो आने वाली है इसके बारे में छापा गया है। ऐसे न्यूज आपको 2-3 सालों से देख रहे होंगे। रिसेंटली आपको 1-2 महीना पहले भी आपको इस तरह से न्यूज आया होगा पेपर में कि इतना वैकेंसी आने वाली है सातवीं चरण में, ठीक। लेकिन ये बहाली सिर्फ पेपर में ही होते आ रहा है अभी तक, और इसके लिए समय समय पर आंदोलन भी हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इस बहाली को जो सरकार जो है अपना चुनावी मुद्दा बना चुका है, जिसको लेकर बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो अभी इंतजार कर रहे हैं सातवीं चरण का, उसको लेकर विशाल आंदोलन की घोषणा कर दिए हैं। इसीलिए आज पेपर में आपको इस तरह से देखने को मिल सकता है कि इतनी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। जब जब आपको आंदोलन के बारे में शिक्षक अभ्यर्थी लोग डिसाइड करते हैं कितनी तारीख हम लोग आंदोलन पे उतरेंगे, तब तक आपको पेपर में देखने को इस तरह से मिल सकता है और मिलते आ रहा है इस तरह से, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक सीटेड बीटेड पास है और वे चाहते हैं कि इस साल वैकेंसी आए, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में 17 मार्च को जो आंदोलन होने जा रहा है पट्टा, उसमें ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट शामिल हुई है, ताकि वैकेंसी आपको 2023 में देखने को मिल सकता है। नहीं तो ऐसे घर में अगर बैठे बैठे सिर्फ पेपर में ही सुनते होंगे तो अच्छा लगता होगा, ठीक है। और ये आपको सुनते सुनते 2025 तक भी जा सकता है। इसलिए जो भी कैंडिडेट अभी चाहते हैं 2023 में वैकेंसी आए, वो 17 मार्च को होने वाले आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर पहुँचे। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो घर बैठे ये सोच रहे हैं कि मेरा तो इतना नंबर है, 120 है, 130 है, हम नहीं भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, बहाली जब आएगी मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। इस गलतफहमी मत रहिए, क्योंकि जब तक आप सड़क पर नहीं उतरेंगे, आंदोलन में नहीं उतरेंगे, ये वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिल सकती है। और 2023 के आपको 2025 के बाद भी देखने को नहीं मिल सकती है। तो जो भी कैंडिडेट चाहते हैं 2023 में शिक्षक बनना, वो 17 मार्च के महाआंदोलन में पटना में जरूर शामिल होइए। तो फ्रेंड्स, ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें। तो जल्द मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।